आयरलैंड वसदे हिंदू भाईचारे वालों काफ़ी लंबे समय तो हिंदुओं के धार्मिक स्थान की मांग उठ रही थी। आयरलैंड काफ़ी समय तो हिंदू भाईचारे वालों मंदिर बनाने के यतन भी किए जा रहे थे। सो इन कोशिशों को बूर पैंदा होया दिख रहा है तो 20 साल बाद आयरलैंड की धरती से पहला हिंदू मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। सो इस कार्य को किसने निपड़े चाड़िया है, वेखो इस ते रमेश रिंपी की रिपोर्ट। आयरलैंड जी हिंदू कम्यूनिटी उन्होंने बहुत देर तो यह इच्छा थी कि उन्हों का भी एक इदा की जगह हो जिते वह बह के अपना जो नाम सिमरत कर सकन, पर इस लंबे इंतजार तो बाद जो कि अच्छ ऑफिशियली तौर पर जरा आयरलैंड का पहला डबलिन मंदिर है खुल गया। भारत के एंबैसडर संदीप कुमार ने इतने आके अच्छ इस आरती और इस मंदिर ने जिन्हें भी काम हो रहे उन्होंने हिस्सा भी लिया और नाल नाल जिहड़ी मंदिर की ऑर्गनाइजेशन आ वैदिक हिंदू उन्होंने सारे मैंबर ने अपना अपना जिहड़ा रोल सी अदा किया। दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक डे, वेरी इंपोर्टेंट डे फॉर द होल कम्युनिटी एंड फॉर आयरलैंड फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द इंडियन टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस स्पिरिट ऑफ Ireland, which is one of the most open, one of the most transparent, culturally minded and community integrated country in the whole world. I am very proud to be present here on this very auspicious occasion of the opening and inauguration of the Hindu temple, first Hindu temple in Ireland. सब तो मारना है पहले पहला मंदिर जिधर इतने बने हैं ये मंदिर बहुत बहुत बढ़िया काम हुआ है इस देश में पूरे हिंदुओं वास्ते सारी कम्युनिटीज़ वास्ते बहुत ही बड़ा दिन है। इस कंट्री में पहला हिंदू मंदिर बनया है, इस बहाने असं इतने सारे हर हफ्ते मिलेंगे, हर दिन भी आ सकते हैं लेकिन हर हफ्ते वीकेंड के प्रोग्राम होएगा ही होएगा, सारे रिश्ते इकट्ठे मिलेंगे, सानू मौका मिलेगा कि असं अपने आप को सुधार सकी और ईश्वर तो ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर सकी कि जी सा अंदर की जो कमियाँ हैं असं दूर कर सकिए, अपने आप को अच्छा इंसान बना सकिए जिद सारी जातियाँ सारे धर्म आपस में इकट्ठे मिलकर रहन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर पंजाबी पीडीएस में भी सारे श्रोताओं में भी जो सुंदर है, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो वही गल है कि सोशल डिस्टेंस और जिन्या भी गवर्नमेंट गाइडलाइन पूरा पूरा ख्याल रखा गया क्योंकि आम जनता वास्ते मंदिर नहीं खुलिया, सिर्फ कुछ लोगों वास्ते, वह भी जेडे कि मंदिर की वैबसाइट या फिर एक स्पैशल वैबसाइट के जरिए बुकिंग करके इस मंदिर में आ सकते हैं क्योंकि आम जनता वास्ते मंदिर अजे कुछ दिन बाद खुलेगा। COVID-19 करके बहुत ही लिमिटेड जे लोगों को ये आने वास्ते इजाजत दी गई। इस एक होर बहुत वधिया गल सी कि गुरद्वारा श्री गुरु नानक दरबार जो डबलिन का उन्होंने सेवादारा ने इतने लिया के लंगर भी आई संगत को जरा खवाया क्योंकि नाल वैदिक हिंदू वाले ने इतने कल्चर सेंटर भी बनाया जिद जो सा नवी जनरेशन आ वो अपने अपने धर्म के अपने कल्चर में भी नाल फॉलो करे। असं पूरी सिख कम्यूनिटी वालों अपने हिंदू वीर मुबारकबाद दें कि जो पहला इतने हिंदू मंदिर खुला, ठीक है जी, गुरु साहब कृपा कर इस तरह मतलब कि सारे का विश्वास बनया रहे तो भाईचारा बनया रहे। सारी सिख कम्यूनिटी वालों बहुत बहुत मुबारक, असं सारे इकट्ठे भैन भरा है तो असं लंगर गुरुद्वारा साहब तो लैके आए हैं, असं सारे समझने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु महाराज कृपा कर मंदिर चलती कला च रहे। आयरलैंड जिन्हें भी स्थानीय पंजाबी वास्ते पहला आयरलैंड फर्स्ट मंदिर भी आया विच इज़ वेरी गुड, बहुत लॉन्ग वेट सी वास्ते पर बहुत अच्छा लगा हूँ इन्ना सोना मंदिर खुले हैं, सारी जगह की कम्यूनिटी आके इतने मिल सकते हैं, अपना लिए जो भी अपना करना चाहते भजन कीर्तन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं क्या अच्छ बड़ा शुभ दिन है डबलिन में, इतने अज मंदिर साडा खुलिया सारी कम्यूनिटी वास्ते। ये मंदिर की स्थापना जी हुई सी जड़ा सीड सोया गया सी 25 साल पहले मिस्टर शोरी ने किए जे साढ़े अज बच नहीं है, पर उन्होंने कम्यूनिटी ने सारे एल्डर्स के नाल ला के उन्होंने जी मेहनत की है अज का फल सू मिले है, मंदिर बन गया है। ये मंदिर सारे वास्ते खुला है, जी कम्यूनिटी साड़ी हम 25 से 26 हज़ार तक हो गई है, सारे वास्ते खुला होना है और साढ़े होर तरक्या करें कम्यूनिटी और ये मंदिर की भी होर तरक्की होगी, कम्यूनिटी की भी होर तरक्की होगी।
डबलिन आयरलैंड तो नेशनल इंडी पीबीसी न्यूज़।